अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये नया व्लॉग है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। इसमें हम लोगों ने ले लिया हरीन की पानी की बॉटल और जा रही है हरीन भी हमारे साथ। और हमें रिक्शा नहीं मिला था तो अभी हम लोग कुछ दूर जा रहे हैं पैदल पैदल और ढूंढ रहे हैं कहीं रिक्शा मिल जाएगा तो फिर रिक्शा करें। अभी तक रिक्शा नहीं मिला, देखते हैं कहाँ मिलता है। और फ्रेंड्स, हम लोग को मिल गई है ऑटो, मतलब ई रिक्शा, और हरीम गुन में बैठ गई है मम्मा के और हम लोग ही बैठ गए। बस सब जा रहे हैं, क्या क्या शॉपिंग करते हैं क्या करते हैं थोड़ा सा आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर ये सारी वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। ये बहुत अच्छा अच्छा नया कलेक्शन आ गया हुआ है गाइस, अगर लेना हो तो देख सकते हैं। ये वाला लिया है मैंने बाबू के लिए दो, ठीक आए हैं तो अच्छा लगा, पूरा ही डूब गई इसमें तो। है बहुत अच्छी टोपी, आपको चाहिए बाबू? और गाइस, एक बार फिर मैं आ गई हूँ मिस्ट्री स्वीट्स और आज हम लोग इसका यहाँ पे टिक्की चाट और एक स्पेशल टाइप का रोल है वो ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे बैठने की भी जगह हो गई है तो अब ये ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया गाइस। अगर पसंद हो तो आप यहाँ पे ज़रूर एक बार, और मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी। स्पेशल चाय और ये चिली डोसा, बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स, मज़ा आ गया। शारी अभी भी खा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिठाई, एक बार और दिखा चुकी हूँ आप लोगों को लेकिन अभी फिर से दिखा दे रही हूँ। काफ़ी अच्छी वैरायटी है मिठाई वगैरह। ये जरूर ट्राई कीजिएगा अगर मिस्ट्री स्वीट्स आएगा। मेरे डोसा रोल बना रहे पैक करने के लिए। यहाँ पर देखिए गाइस, रस मेड हो गए हुए गुलाब जामुन, बहुत ही यमी है। ये भी मैंने खाया था, बहुत अच्छा लगा था। गाइस ये टेस्टिंग के लिए रखी हुई स्वीट्स, लेकिन ये थोड़ा कल हमें जाना है उसके लिए। ये हम लोग निकल गए हैं बस अब घर पहुँच कर आपको दिखाऊंगी विशाल से कौन कौन सी चीज़ें ली थी, और उसके बाद फिर हम लोग कल सुबह का फिर आगे ब्लॉग में देखिएगा वीडियो में क्या। नहीं आए हम और ये आ रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या क्या सब चीज़ें लेकर आई हूँ और बच्चों के लिए क्या आउटफिट है कल का जो हम लोग जाने वाले हैं कहीं, तो वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। और वहाँ जहाँ पे जाना है वहाँ के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग लेकर आए हैं वो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ गाइस। ये वाला एक थैला है ये विशाल का, इससे हम लोगों ने चीज़ें ली है वहाँ लेकर जाने के लिए एज ए गिफ्ट। कहीं भी खाली आ जाने में अच्छा नहीं लगता है ना, तो हमने सोचा कि कुछ ले लेते हैं, तो क्या ले कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर हमने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं वो आपको दिखाएंगे। ये फ्रंट टी शर्ट है और ये हमने लिया मसाले का डब्बा और ये लिए हमने ट्रे और ये बाउल है, ये बाई वन गेट वन था तो हमने ये ले लिया और ये दो बाउल अलग से लिया बड़ा वाला और ये बड़े वाले बाउल का दो स्पून है। बस यही सब था जो हमने सोचा था कि गिफ्ट के लिए ले लेंगे तो ये ले लिया है। और गाइस ये बच्चों के कल के आउटफिट्स हैं, ये याजान किया और ये हरीन का, दोनों का हमने लगभग सेम ही लिया है के अच्छा लगेगा, मतलब सेम सेम लगेंगे दोनों, ट्विंस लगते हैं पहन के। तो ये हरीन की फ्रॉक टाइप की वो है डंगरी है और बाबू की भी डंगरी है, मुझे डंगरी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और डेनिम डंगरी तो मेरी फेवरेट है। तो अभी हम लोग गए थे ना भाई बाज़ार तो हमने यही लिया उसके लिए दोनों के लिए। तो ये कल की आउटफिट और हमारी हो रही है तैयारी, चल रही पैकिंग कि बच्चों के लिए क्या क्या लेकर जाना है और उनका डाइपर बैग भी पैक हो रहा है। और हरीन भी जा रही है और ये छाला छमान भी जा रहा है। नानू को
याजान के पापा। याजान ने अपनी फिंगर देखिए कैसे कर रखी है और हरीम ने भी अपना हैंड ऐसे उठा लिया है। याजान अम्मी को बस अब नींद सोने वाला है बस। वो चली गई अपने आमा के पास। His leg. इसने वही वाली ड्रेस पहन ली। ये मैंने बिल्कुल नहीं मुझ पर पहन ली। गुड़िया लेने गई है आम। ठंडा कर रहे हैं ना इसका एक दो तीन। सलाम वालेकुम। तो देखिए गाइस मामा के साथ चला गया। वाले पेड़ की ये वाली अमरूद। और बाबू ने पॉटी कर दी अच्छे तरीके से और डाइपर पहन के लेट गया। और इसे का कपड़ा मैं भी करूँगी चेंज। और गोश्त का ये गोश्त का रखा है गाइस। ये देखिए ये क्या है हनी कॉम्ब है। ये ओरिजिनल हनी कॉम्ब है और अभी इसको अमरूद के पेड़ से काट के निकाला गया है। इसमें शहद होता है बिल्कुल ओरिजिनल। यहाँ पे लगाया था इसने और ऊपर पेड़ में भी है। पेड़ वाला तो बहुत बड़ा है। सोफे के अंदर लगाया गया है दिख रहा है यहाँ अमरूद के ऊपर। गाइस ये देखिए मॉनिटर लिजर्ड यहाँ पर आई है। कितनी खतरनाक है। ये रहती कहाँ होगी जंगल में। नहीं उधर से आई है पीछे से। हम देखे हैं ये रास्ता। हाई है जमा है कितना नहीं है छोटा है। वालेकुम सलाम। ऑलवेज डिफिकल्ट टू से गुडबाय। सब सामान वामान गाड़ी में रख लिया। खा पी लिया घूम लिया मस्ती कर ली एंजॉय कर लिया। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। ये जगह बहुत ही अच्छी सी होती है। ये चौपाल है हमारी। मतलब सिर्फ बच्चे साहब कोई भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे बैठते बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पेड़ लगा निकाल जाइएगा। खुला हुआ है ये जाते हैं वापस हम लोग। जाते ही हमारा बागीचा जा नहीं पाता हम लोग वरना दिखाती है आपको बहुत अच्छा। गवर्नमेंट ये है गाइस बाजार जो लोकल बाजार होता है। सब अच्छी अच्छी शॉप सब हो गई है पहले वाली बात अब नहीं है। जैसे थी वहाँ ये लोकल लस्सी वस्सी की सब शॉप्स लस्सी ड्रिंक तुमने क्या क्या चीज़ें सब लोकल मार्केट पर है बहुत अच्छी है। शाम का वक्त हो गया देखिए कितना अच्छा व्यू है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है। कम दिखता है इतना प्यारा घर है ना। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा कितनी अच्छी सड़क है।
है हमारे गांव का छितौली बाजार। वो तो नानी के घर का बाजार था, ये छितौली हमारे अपने गांव का बाजार। सब्जी बता सनसेट हो रहा है। ये देखिए गाइस, गांव बचपन से हम लोग ये हेलीकॉप्टर वाला घर देख रहे हैं, तो उसे आपको भी दिखा रहे हैं। सामान वामान निकल रहा है।